राहुल गांधी ने बिना जांच हुए इस मामले को एंटी दलित प्रोपोगंडा के साथ परोस दिया था। साल 2016 और लोकसभा में उन्होंने एक भाषण दिया। एक बार उनके भाषण को आपको सुनवाएंगे। वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेम्युला ने पूछा उठाया, मेरी क्या गलती है, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है, यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए, मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो, उसको आपने दबाया और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। लोकसभा के अंदर मार्च 2016 राहुल गांधी ने क्या कहा आपने वो सुना, और इससे पहले मैंने आपको क्लोजर रिपोर्ट का वो एक्सक्लूसिव हिस्सा भी दिखाया। लेकिन अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या आज देश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने पूरे देश को एक गिल्ट में डाला, एक ग्लानी भाव में डाला और एक सुइसाइड की घटना को उन्होंने एंटी कास्ट बना दिया। सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाती हूं जिसमें साफ साफ क्या लिखते हैं, ही वॉज किल्ड, इसकी कॉपी मेरे पास भी है। इसमें उनके ट्वीट में ये क्लियर लिखा हुआ है, दे से रोहित वेम्युला कमिटेड सुइसाइड, वो कहते हैं कि रोहित वेम्युला ने आत्महत्या की। I call it a murder. मैं इसको हत्या कहता हूं। He was murdered by the indignities he suffered. He was killed because he was a Dalit. वो मारा गया क्योंकि वो एक दलित था। ये कह रहे हैं राहुल गांधी अपने इस ट्वीट में जो अभी अभी आपके सामने मैंने पढ़कर रखा। इसको जरा फोकस करेंगे और फोकस करते हुए इस ट्वीट को आपके सामने रखते हुए, लेकिन इसके साथ साथ आज मेरा सबसे बड़ा सवाल क्या है, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो एडिट करेंगे, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में यह साफ लिखा है कि वो रोहित वेम्युला एक्ट लेकर आएंगे जहां पर वो शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के साथ होते अत्याचार को एड्रेस करेंगे। आइए एक बार फिर से मैनिफेस्टो का एक पॉइंट आपको पढ़ के बताती हूं, और टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार इस पन्ने को फोकस करें क्योंकि इसको फोकस करना जरूरी है। क्या लिखा है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में यह लिखा गया है जो कि है 21 नंबर का पॉइंट। 21 नंबर पॉइंट यह कहता है, वी विल इनैक्ट द रोहित वेम्युला एक्ट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय स्टूडेंट्स belonging to the backward and oppressed communities in educational institute. 21 number ka point ye hai manifesto kiska, congress ka manifesto jisme wo ye clear likhte hain ki wo rohit vemula act lekar aayenge jahan par wo shaikshik sansthanon mein pichdi jatiyon ke sath hote atyachar ko address karenge. ek bar phir se ye sawal aapke samne rakhna hoga। मैनिफेस्टो में तो जिक्र है, ट्वीट आपने राहुल गांधी का देखा, लेकिन आज जब क्लोजर रिपोर्ट आई है तो क्या पूरे देश को एक गिल्ट फील में डालने वाले राहुल गांधी अपने उस ट्वीट को, अपने इस मैनिफेस्टो को क्या एडिट करने की हिम्मत रखते हैं? रोहित वेम्युला को दलित बताने वाले राहुल गांधी, उस एंटी दलित सेंटिमेंट्स को सामने रखने वाले, क्या आज राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और माफी मांगने के साथ साथ क्या अपने इस ट्वीट को राहुल गांधी एडिट करेंगे?